गांव में जिस जिस गांव में हम जा रहे हैं बहुत कुछ अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। माताएं बहने नौजवान बुजुर्ग सब साथ चल जनता रहे हैं। पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, जो लोग थे वो छोड़ छोड़ के अन्य पार्टी में शामिल हो गए। महिलाओं की अगर मैं बात करूंगी तो 50% हिस्सेदारी वो जननायक जनता पार्टी ने दी है पंचायती चुनाव में। रही बात 36 बिरादरी के भाईचारे की तो बीसी का जो 8% है पंचायत चुनाव में वो जननायक जनता पार्टी ने चाबी के निशान पर वोट डालकर आपने सिद्ध करना है कि धन के बल पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। चुनाव तभी जीता जाएगा जब 36 बिरादरी का भाईचारा। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, फिलहाल शिवानी मंडी के और जेजेपी के चुनावी कार्यालय पहुंचे। यहाँ बहन अलका आर्य जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई जो विधानसभा के चुनाव है वो बिल्कुल सर के ऊपर है, सरगर्मियां जो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बहन अलका आर्य जी का काफिला है वो भी पूरा सक्रिय दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं इनसे भी गाँव गुआंड में जाते हैं ये कैसा क्या सहयोग इनको मिल रहा है। नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार जी। जी जो चुनावी सरगर्मियां वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है, आप गाँव गाँव में जा रहे हैं, आपका चुनाव अभियान वो भी तेजी पकड़ता हुआ जा रहा है, कैसा क्या सहयोग गाँव गाँव से मिल रहा है? गांव गांव से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है जी, खासकर मेरी मातृशक्ति का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवानों का खूब सहयोग मिल रहा है जी। चुनावी मैदान में जो लोग वे कह रहे हैं कि हमारा माहौल तो एक तरफा है, जेजेपी का कोई माहौल नहीं है, तो उनको क्या कहना? उनको मैं यही बताना चाहती हूँ कि जी उन्होंने झूठी अफवाह फैला रखी कि एक तरफा माहौल है। हम 3-4 दिन से चुनावी प्रचार में है, कोई एक तरफा माहौल नहीं है जी। शिवानी बेल्ट के लगभग 30 गांव हमने कवर किए हैं, पूरा सहयोग हमें मिल रहा है जी, हमें तो कहीं एक तरफा माहौल नहीं दिखा जी। जो आपके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इनका तो जो हौसला है वो सातवें आसमान पर है, क्योंकि इनसे हमने बातचीत की है, क्या ऐसा भी सहयोग मतलब गांव के जो लोग हैं उनमें भी क्या एक जोश है जेजेपी को लेकर? हाँ, उनमें बहुत जोश और जुनून है जी। गांव में जिस जिस गांव में हम जा रहे हैं बहुत कुछ अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। माताएं बहने नौजवान बुजुर्ग सब साथ चल रहे हैं जी। इस उम्मीद के साथ शायद जननायक जनता पार्टी अब की बार लोहारू हल्के की तस्वीर तकदीर बदलने का काम करेगी, क्योंकि 36 बिरादरी का भाईचारा साथ है जी। आजाद समाज पार्टी के साथ संयुक्त चुनाव हम लड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से खूब जोश और जुनून है जी। एक तरफ जननायक जनता पार्टी है, दूसरी तरफ है जो इतने बड़े बड़े अच्छे वाले लोग बैठे हैं, राजनीति के जो बड़े बड़े मतलब राजनीतिक घरानों से संबंध रखते हैं, तो उनसे किस प्रकार से टक्कर ले पाओगे? वो टक्कर लेने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि हर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं की नई सोच है, माताओं बहनों के आत्मसम्मान की बात है, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो उसमें हम निश्चित का तो कोई भय नहीं। क्योंकि 2019 का हमने चुनाव लड़ा था, उस टाइम भी जेपी दलाल के पैसों की कमी थी, लेकिन हमने आखिरी दम तक डटकर मुकाबला किया। पार्टी का पहला चुनाव था, हमारा पहला विधानसभा का चुनाव, लेकिन हमने बराबर टक्कर ली। आज 2 है, उससे दुगुने जोश के साथ जननायक जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता टक्कर लेने को तैयार, हमको इस चीज का कोई भय नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है भाई जननायक जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, ये वो है, क्योंकि कहते हैं भाई जननायक जनता पार्टी के जो लोग थे वो छोड़ छोड़ के अन्य पार्टी में शामिल हो गए, तो क्या जो आपके जो कार्यकर्ता है, हमको नहीं लगता क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता वो लगता है कि वो अपने जगह सही है, एक जगह डटे हुए हैं, तो क्या वो कार्यकर्ता जो पहले वो अपने साथ जुड़े हुए हैं? 100 के 100% कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए, रही जनाधार की बात कहा नहीं है जी। महिलाओं की अगर मैं बात करूंगी तो 50% हिस्सेदारी वो जननायक जनता पार्टी ने दी है पंचायती चुनाव में। रही बात 36 बिरादरी के भाईचारे की तो बीसी का जो 8% है पंचायत चुनाव में वो जननायक जनता पार्टी ने दिया है। रही बात 33% डिपो वाली, वो माता नैना सिंह चौटाला का आशीर्वाद है। रही बात दुष्यंत और दिग्विजय की सोच की, तो आपने देखा होगा 75% रोजगार का जो एक नया काम किया वो इसी पार्टी ने किया है। और हम पिता तुल्य बुजुर्गों के आशीर्वाद की बात करें, मान सम्मान की बात करें, तो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन से शुरू की, तो जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए इतने अच्छे काम किए वो जनाधार हमेशा मजबूत रहेगा जी। कुछ लोगों का ये भी कहना है भी 2 पार्टियों की अच्छी कड़ी कड़े मुकाबले में टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी की, कई लोगों का ये कहना है कि उनके बीच में से बहन अलका रही है वो पार निकल जाएगी। अगर ये जिक्र हो रहा है कि जी दोनों पार्टियों ऊंचाई में कोरा ढकोसला है जी, हाँ हमारी मजबूती है जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की सोच और उम्मीद है कि हम इन दोनों के बीच से निकलेंगे जी। आपको ऐसा लगता है क्या मतलब इस तरह की राजनीति करना, पैसे के दम पर लोग चुनाव जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते जी,
लोहार वालकिम तो बिल्कुल नहीं जीत सकते, क्योंकि पीछे साधारण परिवार से आपने देखे हैं कि ऐसे ऐसे विधायक बने जो जमींदार से, मजदूर सतीश बिरादरी से निकल कर आए हैं। वही इतिहास लोहारू की जनता फिर दोहराएगी कि पैसे वाले पीछे रहेंगे और किसान कमेरे वर्ग से जो कैंडिडेट आएगा उसको जिता कर भेजेंगे। जी भारतीय जनता पार्टी के जो फिलहाल चुनाव मैदान है जेपी दलाल जी, उनका कहना है कि हमने जितना लोहारू का विकास किया इतना किसी ने आज तक किया भी नहीं है। हमने नहरों में पानी ला दिया, किसानों को मुआवजा दिया, ये किया वो किया, भाई लोग विकास को वोट देंगे, हमने विकास किया। मैं शिवानी बेल्ट से भी आई हूँ जी, आप मेरे मुँह से कहना चाहोगे शिवानी बेल्ट में आप पूछो काम मुआवजा दिया है। रही बात मान सम्मान की, तो जब भी पंचायतों की कोई बात होती जी, आपने भी सुना है कि बहन बेटियों के बारे में जेपी दलाल जी ने क्या बोला है, और एक जननायक जनता पार्टी है जो आत्मसम्मान की बात करती 50%। अब भिवानी जिले की मैं टिकट की बात करूं तो 2 टिकट महिलाओं को दी गई है। तो आत्मसम्मान की बात हम करें तो जेपी दलाल जी ये बात मत कहें कि बहन बेटियों के लिए उन्होंने कुछ किया है, कुछ नहीं किया। पंचायतों में देखे गए, उनके बयान भी देखे गए हैं। चलो बहन जी, वीडियो के माध्यम से लोगों से क्या अपील आप करना चाहोगे जेपी के समर्थन में? वीडियो के माध्यम से मैं सभी हल्का लोहारू हल्का वासियों से, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से यही उम्मीद और अपील करती हूँ कि आने वाला समय 5 तारीख को आपने बदलना है लोहारू हल्के की तकदीर व तस्वीर बदलकर, और वो चाबी के निशान पर वोट डालकर आपने सिद्ध करना है कि धन के बल पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। चुनाव तभी जीता जाएगा जब 36 बिरादरी का भाईचारा आपके साथ होगा, पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, महिलाओं का आत्मसम्मान होगा और युवाओं की नई सोच होगी। इसी अपील के साथ मैं लोहारू हल्का वासियों से कहती हूँ कि आप तकदीर और तस्वीर बदलो, ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटी को चुनाव चिन्ह चाबी का निशान उस पर वोट डालकर विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि आपकी आवाज विधानसभा में पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बहन अहलकार जी, जो इनकी जेजेपी के लोहारू हल्के से जेजेपी प्रत्याशी है, इन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किया। आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। तो क्या आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलते हैं फिर। अनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी जेजेपी कार्यालय से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।